afternoon guys, how are you all doing? Welcome back to the vlog. And ये view में enjoy कर रहा हूँ, वहाँ पे दूर पक्षी भी उड़ रहे हैं. बहुत ही प्यारे व्यू को enjoy करते हुए ये वाला vlog शुरू कर रहे हैं. And vlog के starting में मैं आपको बोल देता हूँ कि हिमाचल के लिए pray करो, उत्तराखंड के लिए प्रे करो. बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है इस बार, देख देख के बुरा हाल हो रहा है बार बार. एंड अपन का परसों दिल्ली का प्लान फाइनल हो चुका है, अपन दिल्ली जा रहे हैं. वहाँ पे सिमरन मिल जाएगा हमें, सिमरन ने शायद ऋषिकेश जाना है वहाँ से. जब तक वो ऋषिकेश जाएगा अपन दिल्ली पहुँच जाएंगे, एंड वो ऋषिकेश से वापस आएगा, फिर मैं और सिमरन चंडीगढ़ जाएंगे. प्लान फ़िलहाल ये है, या तो वो पहले ऋषिकेश चलेगा या चले जाएगा, या चंडीगढ़ पहुंच के ऋषिकेश जाएगा, वो अभी पक्का नहीं है. फिर उसके बाद हम दोनों साथ में शिमला जाएंगे, एंड शिमला हम सिमरन के साथ ही जा रहे हैं. दिल्ली से क्या प्लान कर रहे हैं हम कि वो वापस शिमला शिफ्ट हो रहा है, तो दिल्ली से उसकी बाइक और कार लेके जाएंगे. कार मैं लेके चले जाऊंगा, बाइक वो लेके चले जाएगा. बाइक और कार को चंडीगढ़ खड़ी करके चंडीगढ़ से मैं अपनी गाड़ी लेके चले जाऊंगा शिमला. पर शिमला तब जाएंगे हम जब वहाँ पे सिचुएशन सही हो जाएगी, वहाँ पे जो कंडीशन है वो सही हो जाएगी. क्योंकि शिमला के रोड्स, शिमला चंडीगढ़ की रोड्स में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हो रही हैं. एंड बस अभी हम नहा के निकले हैं. आज का प्लान फिलहाल ये है कि हम शायद मूवी देखने जाएंगे. ड्रीम गर्ल 2 आ गई है, एक नई मूवी आई है, तो वो देखने जाएंगे. एंड फिलहाल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता. फिलहाल व्यू को एंजॉय करो यार, आराम से चिलैक्स. क्या शांति वाला व्यू है, वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं वो वाले ग्राउंड में. वो देख रहे हो वो वाला ग्राउंड, वो वाले ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं. क्या मज़ेदार व्यू है. एंड काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे मुझे पूछते रहे थे कि पाजी दाढ़ी खोल के दिखा दो, दाढ़ी खोल के दिखा दो. अभी जस्ट मैं नहा के निकला हूँ, तो अभी दाढ़ी बांधती नहीं है, तो आप लोग देख सकते हो दाढ़ी खोल के कैसा लगता हूँ मैं, दाढ़ी कितनी लंबी है, क्या है, कैसा है. चलो तैयार होते हैं. एंड हूँ कहाँ मैं अपने, अभी मैं फ़िलहाल भोपाल में ही हूँ अपने दोस्त के घर. एंड बस यहाँ से 2 दिन बाद अपन निकल जाएंगे. दोस्त का डॉग भी अब काफ़ी बेटर है. जो पुराने व्लॉग्स में कई लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ रहे थे कि लीज़ा ठीक है, हाँ लीज़ा ठीक है. उसको कुछ इंजेक्शन्स लगे थे क्योंकि उसके मेमोरी ग्लैंड्स में कुछ हो गया था. एंड अभी फ़िलहाल काफ़ी बेटर है. एंड 14 ईयर्स ओल्ड है लीज़ा, तो फिर भी काफ़ी सही है, बहुत एक्टिव है. लीज़ा से मिलते हैं एंड तैयार होते हैं. लीज़ा तो फ़िलहाल एक्चुअली सो रही है, तो फिर भी तंग कर लेते हैं. रिजू तो लीज़ा इतने लेट हो गए थे कि जल्दी जल्दी मूवी देखने आ गए. एंड फिलहाल मूवी का क्या सीन, मूवी अभी तक तो अच्छी है. एंड अभी ब्रेक में हम कुछ खाने पीने आए हैं, तो यहाँ पे समोसे मिल रहे हैं भाई. समोसे मैंने पहली बार ही देखे हैं. ये पॉपकॉर्न है, वहाँ पे वहाँ से समोसे लिए हमने. अभी इंटरवल ख़त्म हुआ है, मूवी देखने वापस जा रहा हूँ. निकाल के आधी मूवी तो ऐसी रहेगी मेरी. समोसे इतने स्वाद बने थे कि मैं समोसे वापस ले आया हूँ. समोसे वो कह रहे थे 20 मिनट में नहीं बनेंगे, तो मैं 20 मिनट बाद चेक करने आया कि समोसे बने हैं कि नहीं. मूवी देख के आया हूँ. एंड मूवी ओके शोकेस थी. 1 मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी थी, कल ही मैंने वहाँ देखी ड्रीम गर्ल 1, अब ड्रीम गर्ल 2 देख के आया हूँ. एंड फिलहाल 10 बजे आसपास मार्केट में कुछ खाने पीने को दिख रहा है. पीछे पिज्ज़ा हट भी है, तो पिज्ज़ा हट भी जा सकता हूँ. अभी देखते हैं. ऊपर मून भी दिख रहा है, मैं सोच रहा था कि ऊपर रोवर भी चल रहा होगा, क्योंकि मून की लैंडिंग भी हो चुकी है, चंद्रयान 3 भी लैंड हो चुका है, तो उसकी भी चल रहा होगा. मेरे लेंस का सोल्यूशन भी ख़त्म हो गया है, तो पास में ही वेलनेस फॉरएवर है. पूरी रात खुला रहता है, मतलब 24 आवर्स खुला रहता है. तो यहाँ से थोड़ा बहुत कुछ और भी उठा लेते हैं, और लेंस की बॉटल भी उठा लेता हूँ. वेलनेस से सामान ले लिया. जब भी ऐसे सुपर स्टोर जाओ ना, ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो. हमेशा मेरे और चेरी के साथ हमेशा ऐसा ही होता है. अभी चेरी के पास जाएंगे थोड़े दिनों में, तो पता चलेगा. भोपाल में भी खाने पीने की जगहों का अंत नहीं है. एक यहाँ पे 1974 का जूस कॉर्नर है, और वहाँ पे सामने गणेश कुछ करके है. फिलहाल तो जूस पीने का मन है. फ्रूट्स का अंत नहीं है यहाँ पर, काफ़ी सारे फ्रूट्स लगे हैं सही सही प्राइस में. वो भाई साहब नाशपाती 120 रुपये. ये
सामने ऑरेंज जूस देख लिए थे तो वहाँ पे ऑरेंज जूस ही ऑर्डर कर दिया फिलहाल। ये आ गया अपना ऑरेंज जूस, इम्पोर्टेड ऑरेंजेस थे, सिंपल ऑरेंजेस थे नहीं। लेंस सॉल्यूशन लेने गया था और लेंस क्लीनर उन्होंने दे दिया। लेंस क्लीनर ये क्या है बेसिकली, चश्मा साफ करने के लिए, स्पेक्टिकल साफ करने के लिए होता है। मेरे को चाहिए था जो लेंस वाला होता है। लेंस वाला कैसे दिखता है? मुझे चाहिए था ये वाला सॉल्यूशन, रेनो का या किसी भी ब्रांड का लेंस, जो लेंस पहनते हैं। इन्होंने दे दिया जो मैं चश्मा पहनता हूँ उसको साफ करने के लिए, तो ये भी वापस करके आना पड़ेगा। बहुत दिक्कत हो गई है, ये बहुत दिक्कत हो गई। चलो ये वाला आज काम करके आएंगे। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द व्लॉग। अगला दिन आ गया, कल अपन गए थे मूवी देखने एंड मूवी मुझे ठीक ठीक लगी जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद घर आ कर सो गए। एक तो आजकल मैं सो बहुत ज़्यादा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है एंड बात ये कि अब जल्दी से चाय पीते हैं, तैयार होते हैं एंड आज का दिन प्लान करते हैं। एंड ये व्लॉग भी मैंने अभी तक एडिट नहीं करा, ये व्लॉग पता नहीं मुझे कितने मिनट का बना है। मैं लगभग कोशिश करता हूँ कि 8 से 10 मिनट का व्लॉग बन जाए मेरा, ताकि आप लोग देख भी पाओ और इन्जॉय भी कर पाओ। 8 से 10 मिनट का व्लॉग मुझे लगता है आइडियल है। बाकी आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको कितने मिनट का व्लॉग चाहिए होता है, तो मैं उतने मिनट का व्लॉग बना दिया करूँगा, उतनी ज़्यादा डिटेलिंग रख दिया करूँगा। एंड सिमरन से अभी बात हुई थी, वो कह रहा था कि भाई तू निकल जा वहाँ से, मैं भी बस दिल्ली से, वो पहले ऋषिकेश गया है, फिर अपन दिल्ली से जाएंगे सीधा चंडीगढ़। तो अभी मैं दोबारा उसे कॉल करता हूँ व्लॉग करने के बाद एंड एडिट करने के बाद, फिर पता चलेगा कि अपना आगे का प्लान क्या है। एंड बाकी यार हिमाचल के लिए प्रे करते रहना एंड नीचे कमेंट में भी प्रे करो, खुद भी प्रे करो, मतलब प्रे करते रहो। हिमाचल का बुरा हाल है, अब बेटर हो गया है, रोड्स कनेक्टिविटी वापस आ गई है, बट फिर भी जो लॉस वगैरह हुआ है, एक तो मंदिर वाला जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ख़तरनाक हुआ है। समर हिल में पूरा पहाड़ नीचे आ गया मंदिर में, कुछ लोग 25 से 30 लोग पूजा कर रहे थे वो पहाड़ के नीचे ही दब गए हैं एंड उनकी फैमिली के लॉसेस वगैरह बहुत तगड़ा नुकसान हो गया। बट एनी हाउ वापस शिमला जाएंगे एंड फिर दिखाएंगे आपको क्या हो रहा है क्या नहीं। फिलहाल दिल्ली जाएंगे एंड फिर चंडीगढ़ जाएंगे, आपको वो सब भी दिखाऊंगा। तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आप आगे का व्लॉग मैं अगले व्लॉग में कंटिन्यू करूँगा, इसको एडिट करके अभी डाल देता हूँ ताकि आप रेगुलरली व्लॉग्स देखते रहो एंड मैं भी रेगुलरली अपलोड करता रहूँ। एंड कैप मैं ये हर जगह लेके आ रहा हूँ, पता नहीं क्यों।